पीपल, तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन की जेली। और सिक्स डे है आज जेली चैलेंज का। और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको जेलेटिन एंड अगर अगर पाउडर के बेसिक डिफरेंस बताऊंगी। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे। मैंने इतना ही वाटरमेलन लिया है क्योंकि इनफ है इतना जेली के लिए। और इसको एकदम क्लीन कर लेंगे बाउल की तरह, क्योंकि इसी में हम सेट करेंगे अपनी जेली को, ताकि एकदम रियल वाटरमेलन लगे जेली। और ना ये हम इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने बीज नहीं निकाला है क्योंकि बहुत टाइम लगता है बीज निकालने में एक एक करके। तो इसको मतलब ग्राइंड करके स्टेन कर लो, बीज निकल जाएगा, चलेगा इतना। और कोई कड़वा थोड़ी लगेगा बीज भी रह गया तो। अब ना ये जो जूस है हमारा, इसको हम पैन में डालेंगे और थोड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा, वाटरमेलन का ही आएगा। और हम अगर अगर पाउडर डाल देंगे और शुगर डाल देंगे। आप ध्यान रखना, अगर आप खाने के लिए बना रहे हो, ऑब्वियसली आप खाने के लिए ही बनाओगे ना, तो आप ना अगर अगर पाउडर या जेलेटिन पाउडर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे टाइट चाहिए होता है जो मेरी जेली होती है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई शेप देनी होती है और मैं वीडियो बना रही हूँ। आप खाने के लिए बनाना और एक्सेस मत डालना, एक्सेस हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कोई भी चीज़, शुगर हो या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़, एक्सेस बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसको फ्रिज में 5 आवर्स के लिए रख देंगे। और उसके बाद से ये देखो जेली हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो हम ना ये जो एक्सेस है ना उसको कट कर देंगे, ताकि जो जेली है हमारी वो बिल्कुल रियल वाटरमेलन लगे। और ये देखो बिल्कुल रियल वाटरमेलन अब लग रही है ना। अब इसके अंदर बीज होता ना तो वो और अच्छी लगती। जैसे शिया सीड्स वगैरह होंगे ना तो वो आप डाल देना, तो उसमें एकदम रियल लगेगी और हेल्दी भी हो जाएगी। तो अगर अगर पाउडर और जेलेटिन पाउडर का बेसिक डिफरेंस वो है कि अगर अगर पाउडर जो है वो प्लांट बेस्ड है और जेलेटिन पाउडर है वो एनिमल बेस्ड है, यानी कि एनिमल पार्ट से बनता है। तो आपकी जो मर्जी हो वो आप यूज़ करो, दोनों से ही जेली एंड पुडिंग बन जाती है। तो नहीं, ये देखो बिल्कुल हमारा वाटरमेलन रियल लग रहा है ना। आप कमेंट करके बताओ वाटरमेलन रियल लग रहा है या नहीं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। बाय।